एक्सक्यूज मी, यस, ब्राउजिंग, ब्लॉक नंबर 17। ओके, क्या हो रहा है? ये क्या तुम्हारे घर का बेडरूम है? ए, चल खड़ा हो, बारा, चल चल बारा, सब वापस निकल गया सर, इसके बाद निकल यहाँ से। अभी दूध के दांत टूटे भी नहीं है और तुझे लौंडिया चाहिए? चल आ गया से, दफा हो जा, चल जा, जा यहाँ से, चल निकल यहाँ से। तेरे बाप को फोन करूँ क्या? सर आप आ जाइए सर। हाँ, उम्र 17-18 के लगभग होगी सर। मेरे पिताजी को कुछ मत बताइएगा सर, प्लीज। हाँ, तेरे बाप को नहीं बताऊंगा तो बिल्कुल मत डर, वो तो हम पे छोड़ दे। बस 10 मिनट के लिए। जो उस लड़के के साथ किया वो किसी और के साथ करना है, उसके बाद चली जाना। ऐसी लड़की नहीं हूं। अरे क्या कर रही है, जरा छोड़ दीजिए। नहीं, जरा हमारे समाज को बर्बाद करने के लिए आजकल कुछ लोग काम वासना की सीढ़ी बनाने लग गए हैं, जिसका समाज पर बहुत बुरा असर हो रहा है। लोग इसे दुकान से खरीदते हैं या फिर नेट के जरिए इसे देख ये लेते काम वासना हैं। क्या है दादाजी? इसको रोकने का अनुरोध करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक रैली निकलने वाली है। आजकल टीवी वाले भी बच्चों को खराब करने वाली न्यूज दिखाते हैं। अरे केस के लिए पुलिस डिपार्टमेंट कदम उठा रही है। दादाजी रुकिए ना, डैडी कुछ बोल रहे हैं। जल्द हमारी गिरफ्त में होगा और मेरे सबऑर्डिनेट मिस्टर त्यागराज इस केस को हैंडल कर रहे हैं। तहकीकात हमारी जारी है। आप पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे बताइए सर। इस सवाल का जवाब मैं यहाँ नहीं दे सकता, उसके लिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वहाँ पर हम देख लिया ना ये सब क्या हो रहा है। पिताजी लेकिन वो ऐसे नहीं है। ये तो मुझे भी पता है, लेकिन बाहर के लोगों को तो नहीं पता ना। वो लोग तो यही कहेंगे ना कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, फिर उनकी इज्जत का क्या होगा। आप खाना खा लीजिए, उनसे कहो ये नौकरी छोड़ दें। दादाजी मुझे डैडी से बात करनी है। गौतम ये क्या डैडी डैडी कर रहे हो, कल हम उनके पास जाने ही वाले हैं ना। इसके ऊपर गुस्सा क्यों हो रही हो, तो फोन लगा ले बेटा। अचानक यहाँ कैसे, मैं तो सरप्राइज हो गया। त्यागराज तुमसे एक जरूरी बात करने के लिए आया हूँ। हाय अंकल। हाय, हैप्पी न्यू ईयर। विश यू द सेम। कौन सी क्लास में हो? 9th स्टैंडर्ड। वेरी गुड। श्वेता तुम अंदर जाओ। ओके। तुम्हारी भी बेटी जवान हो रही है, सोच लो। तुम भले ही मुझे सपोर्ट ना करो लेकिन डिस्टर्ब भी मत करो, तुम इस बात का ख्याल रखना। त्यागराज मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगली बार रिक्वेस्ट नहीं करूंगा। हैप्पी न्यू ईयर, घर पे बोल देना। ओके सर। सर कमिश्नर के कमीशन का प्रूफ मेरे पास है, वो मेरे घर आकर धमका कर गया सर। जी हाँ सर, यस सर, मेरे पास जो एविडेंस है वो मैं कल आपको दिखाऊंगा। विश यू हैप्पी न्यू ईयर सर। थैंक यू। हेलो। सॉरी त्यागराज सर, डिस्टरबेंस के लिए मैं अपना फोन वहां भूल गया। मैं लाकर देता हूँ सर। मैं यहाँ बेस नगर के पास वाले हाईवे पे हूँ। आओ त्यागराज। ये लीजिए सर। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं सर।
सर। नहीं चाहिए। ओके सर। डांस करते करते मैं थक गया हूँ। अकेला नाच रहा था क्या? नो नो नो, मेरी गर्लफ्रेंड अभी भी डांस कर रही है मैन। किसके साथ? आई डोंट नो। हेलो, हंस क्यों रहे हो? पर तेरी वाली तो किसी और के साथ वैलेंटाइन सेलिब्रेट कर रही है, देख ले। तुम पुराने जमाने में जी रहे हो। हाँ सही कहा, इसीलिए तो मेरी वाली ने छोड़ दिया मुझे। तुम्हें छोड़ती नहीं तो क्या करती? प्यार जो है ना दिल से होता है, दोनों में विश्वास होना चाहिए। लेकिन ये बात तुम जैसों को नहीं समझ में आएगी। जेंटलमैन, टुनाइट इज वैलेंटाइंस डे, द लाइट विल बी स्विच्ड ऑफ फॉर अ फ्यू सेकंड्स, सो लेट्स गेट रेडी टू पार्टी। ये लाइट बंद करने की क्या जरूरत है? अंधेरे में प्यार का इजहार करोगे? अरे यार, अपने आप को धोखा क्यों दे रहे हो? तुमने जो अभी अभी कहा ना, विश्वास, वही ट्रस्ट, अगर यही लव है तो अंधेरे में बोलने की क्या जरूरत है यार? कैसे चिल्लाते हो? ए, देख रहा उधर क्या हो रहा है? ये लव नहीं है। हेलो, ये तुम जैसे जिंदगी भर नहीं समझ पाएंगे। हा? अबे जाना, अंधेरा होते ही अपने औकात देख लेना। तू सिंगल ही मरेगा। क्या हुआ सर? Where is my mobile? सर वो मेरे पास है। हाँ, मेरा लैपटॉप। ये वाला ना सर? हाँ, थैंक यू। हाँ हाँ, आइए सर। ओवर सर। तेरा नाम क्या है? प्रवीण सर। ए? सर 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 संभल। तेरी सैलरी कितनी है? हेलो, 4000 सर। कोई प्यार व्यार का चक्कर? नहीं सर। पैसा हो तो प्यार मिल ही जाता है। हाँ, एक लड़के को लड़की चाहिए, मगर लड़की को सिर्फ पैसा ही चाहिए। तू कभी प्यार मत करना, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है। ओके, आपके लिए कैब मंगाऊं सर? कार सर, कार की आवाज पीछे से आ रही है। पीछे? माय कार। आई मैनेज। ये रख ले, ऐश कर। थैंक यू सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। लोगों को ऐसे ही दारू पिला पिला कर भेजो, और ये लोग नशे में गाड़ी चलाकर फुटपाथ पर सोए हुए लोगों को मारेंगे। जा। अरे मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है। ओह नो, मेरा बैग नहीं दिख रहा। ये वेयर्स माय आईपैड? अरे मेरी कार की चाबी नहीं मिल रही। पहले देख कार है या नहीं। हेलो, द सब्सक्राइबर यू हैव कॉल्ड कैनॉट बी रीच एट द मोमेंट। मजाक मत करो ना जानू। तुम्हारे जानू का फोन चोरी हो गया है, तो मेहरबानी करके फोन ना करें। ए वीर, मैं नहीं चल रहा हूँ यार। क्यों यार? तेरे पिताजी को मुझसे एलर्जी है। ए चलना। अरे यार, आता मला जाऊ देना। गपना। ए, अंदर आओ। कहां से आ रहे हो? हाँ? क्यों भाई, अपनी जिम्मेदारी कब समझोगे? लेट होने पर फोन नहीं कर सकते? सारा काम मुझे ही करना पड़ा। और तू अपने घर नहीं गया? वो रात हो गई थी इसलिए। एक दिन में कितना पियोगे? जब देखो पीते रहते हो। कुछ खाया? नहीं खाया। मैं अच्छी तरह जानता हूं तुमने कुछ नहीं खाया होगा। चलो बैठो, मैं लेकर आता हूं। आज तो खाना बन गया है, लेकिन रोज ऐसा नहीं चलेगा। कल के बारे में भी सोचो। ये आलसीपन छोड़ो, नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ क्यों बे, वो इतना डांट के जा रहे और तू है कि बेशर्मों की तरह खाए जा रहा है। तू खा रहा है या मैं खा लूं? मेरी बात ध्यान से सुन, अगर तू इस पनौती का साथ छोड़ देगा ना तो सुखी रहेगा। चल जल्दी खा। मुझ में अभी शर्म बाकी है, नहीं चाहिए, तू ही खा ले। ठीक है, ऑमलेट मैं खाता हूँ। ए दोस्त अगर खाने के लिए मना करता है तो उसे रिक्वेस्ट करो, ये होती है दोस्ती। अबे जा। ये पकड़ ना। ए ये पकड़। एक मिनट रुको। कौन है? सच्चू है क्या? सच्चू नहीं है। ये देखो कॉफी बना के रखी है। और कुछ चाहिए आपको? कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है। हाँ ए, चल। पिताजी ये कौन है?
मुझे क्या पता कौन है। मैं जब यहाँ आया था तो वो यहीं थे, ना इन्हें दिखाई देता ना सुनाई देता है, और इनके भरोसे ये घर छोड़कर गए हैं। किसी ने चोरी कर ली तो क्या होगा। चलो, इनसे बड़ा चोर कोई होगा तो आएगा ना। वीर, लगता है इस घर वालों का टाइम सही चल रहा है। तेरे पिताजी ये घड़ी ले जाना ही भूल गए। पता नहीं क्या सोच के छोड़ दी। जिस घर में चोरी की उसी घर की चाबी सही जगह पे रखना और नहीं है। ए, वो लोग पिक्चर देखने के लिए गए हैं, जल्दी चलो, आते ही होंगे। अगर वो लोग पिक्चर आधे में ही छोड़ के आ गए होते तो क्या होता। एक्सक्यूज मी, मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं प्लीज। गाड़ी कहाँ है? इसमें पेट्रोल पूरा फुल है। थैंक्स। कार्बोरेटर में प्रॉब्लम है, बाकी चीजें भी चेक कर लेता हूँ। कौन था वो? मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, मेरी हेल्प। अरे किसी अजनबी को कैसे गाड़ी दे सकती हो तुम? गाड़ी तो यही अरे है। लेकिन ये तो हेलो हेलो मिस्टर, रुकिए, गाड़ी कहाँ ले जा रहे हैं? क्या हुआ? अपनी तो गाड़ी ले जा रहा हूँ ना मैं, आपको क्या तकलीफ हो रही है? वॉचमैन यहाँ आओ। क्या हुआ? जरा देखो ना, ये मेरे पहचान वाले की गाड़ी है, ये इसे चुरा रहा है। ए, कौन हो? पुलिस को बुलाऊं क्या? रुको यार, ये मेरी गाड़ी है, आरसी बुक, इंश्योरेंस सब मेरे नाम पे, जरा ध्यान से देख लो। पर वो तो मेरी गाड़ी लेकर चला गया। ए, अब देख लिया ना, तुम्हारा इधर कोई काम नहीं है क्या? ये तो अच्छा हुआ कि मेरी गाड़ी चोरी होने से बचा ली, थैंक यू। उसके बदले अपनी गाड़ी दाव पे लगा दी। सॉरी। ए गाड़ी हटा ना। ए तू चला ना। ए क्या गाड़ी हटा? अरे रुकना यार, हटाता हूँ। अरे बताना उसे। अरे एक मिनट रुक। ए उड़ा दे, स्टार्ट कर रहा हूँ। गाड़ी हटा ना। गाड़ी हटा ना यार। अरे क्या कर रहा है तू? अरे जी तो सब गड़बड़ करेगा, उड़ा दे इसे। चोरी की गाड़ी है क्या रे? छे अबे जल्दी बढ़ा आगे। अंकल आजकल मन बहुत दुखी रहता है। क्यों, क्या हुआ? ये काम बहुत डर डर कर करना पड़ता है। क्यों, कुछ हुआ है क्या? हर रोज हम एक नया काम करते हैं, लाइफ एकदम थ्रिलिंग है। सुन ली ना इसकी बात, इसके भरोसे मत रहना, बिल्ली है ये बिल्ली। हाँ हाँ, हम लोग तो बिल्लियां हैं और ये बब्बर शेर है। ए, ए बिल्ली सुनना। मैं सोच रहा हूँ कि कोई और काम ढूंढ लूं। अबे वो नालायक, तू चाहे कहीं भी काम कर ले, वहां तेरा एक मालिक होगा, उसके पास पैसों के सिवाय कुछ नहीं होगा। मेहनत और दिमाग दोनों तेरे पास है, वो इनका इस्तेमाल करके महीने में 3,000 कमाएगा और तुझे 30 रुपए ही देगा। वो हमसे भी बड़ा चोर है, वो हमारी मेहनत चुराता है। कोई दूसरा हमारी मेहनत को चुराए इससे तो अच्छा है कि हम उसका कारोबार ही चुरा ले। क्या कहता है? क्यों बे, तुझे क्या हुआ? बस में दस ललके आए थे। क्या? उन लोगों ने मुझे बहुत माला है तेरी की। चल बैठ जा, तुम लोग नहीं सुधरने वाले। अबे पॉकेट कैसे मारे जाती है ये भी नहीं पता इसे? हा? मैं बताता हूं, तू क्या देख रहा है, बैठ। जब भी पॉकेट मारने के लिए जाओ तो भीड़ वाली बस में चढ़ो। बस में जब भी पॉकेट मारने के लिए जाओ तो अकेले बिल्कुल मत जाना, 3 लोग साथ में जाना, क्योंकि भीड़ वाली बस में अलग अलग तरह के लोग आते हैं। उनमें से एक लड़कियों से चिपकने के लिए ही चढ़ता है और उसे ही तुम्हें थर्ड मैन बनाना होगा। थर्ड मैन यानी? थर्ड मैन यानी अगर तुम पकड़े जाओ तो सारा इल्जाम उस पे लगाने के लिए कोई बेवकूफ तो चाहिए ना, वही होता है थर्ड मैन। अब तुम जो थर्ड मैन चुनोगे ना, उसके दाई तरफ एक, बाई तरफ एक और एक पीछे खड़ा होना चाहिए। उसके बाद वो जो करना चाहता है उसे तुम्हें रोकना है। हम पर्स मारने जाएंगे या लड़की को बचाने जाएंगे? अबे झिंगुर, उसे हटाने के बाद वो जो करना चाहता है ना, उसके लिए वापस से वही आने की कोशिश करेगा और सारे पैसेंजर्स का ध्यान उसकी तरफ जाएगा। उसके बाद थर्ड मैन को अपने आगे ले आओ और अब तुम्हें अपना काम करना है। तब उसकी चिंता मत करना, वो अपना काम करेगा और पैसेंजर्स उसे देखने में लगे रहेंगे। अब अगर तुम नहीं फंसे तो कोई बात नहीं, और अगर फंसने की नौबत आती है अरे मेरा बैग, तो उस थर्ड मैन पर सबसे पहली मार तुम्हारी होनी चाहिए और चुपचाप वहाँ से पतली गली से निकल जाना। तो इसका मतलब ये भी एक हालत है क्या? तुम मेरी सुनते कहाँ हो, मार खाने के बाद यहाँ आते हो? हाँ, तुम्हारी उम्र में किसी ने मुझे गाइड किया होता तो बड़ा आदमी बन जाता। हाँ हाँ, बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाते।
तू चल रहा है या नहीं? चल। बन जाता बड़ा कलेक्टर भी बन जाता। ए तो बैठ, बैठ ना। अब बता, पॉकेट मारने के लिए तू क्या? उस केचवे को देखा, खुद मार खा के आया और मुझे भी फंसा दिया। टाइम पास करने के लिए तेरे पिताजी को बस लोग चाहिए। ए देर हो रही है, जल्दी पहुंचना है वरना दुकान बंद हो जाएगी। ए भाई मुझसे चला नहीं जाएगा, पहले गाड़ी निकाल। क्या बकवास कर रहा है, एक तो रात है ऊपर से चोरी की गाड़ी। अरे अपना ही एरिया है यार, संभाल लेंगे। चल इतनी रात में तू कहां जा रहा है? क्या करेंगे, चोरी की गाड़ी पे आए हैं, वापस जाना होगा। ए इतना डरता क्या है, वो तो वहां खड़ा है। चल गाड़ी यहीं पर लगा देते हैं। अरे जल्दी उतरना यार। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम होने वाली है, अगर गाड़ी को कुछ हुआ ना तो तेरी वाट लगा दूंगा। अबे रोकड़ा देके गाड़ी लेने वाला भी इतना नखरा नहीं करेगा। तेरी तो चल अभी चल। वीर हमेशा दारू पीते समय कोई ना कोई गड़बड़ होती थी, लेकिन आज तो किसी के साथ कोई गड़बड़ हुई नहीं। अरे नमस्ते हवलदार जी। ये तो चौकीदार है। चौकीदार है? उल्लू का पट्टा, 20 रुपए की सिगरेट बेकार कर दी मेरी। चौकीदार को खाकी वर्दी किसने दी? चौपेट कहीं का। ए वीर जरा वहाँ देखना, हमारी गाड़ी के पास 2 लड़कियाँ खड़ी है। ए वो जो लड़की है ना, ये गाड़ी उसी की है और उसी के सामने मैंने गाड़ी चुराई थी। मैंने तुझे पहले ही बोला था और तूने उसी की गाड़ी उसी के पास पहुँचा दी। अरे तो छोड़ना। हाँ? देख यार तू मुझ पर गुस्सा मत कर। हाँ? तू कहे तो मैं गाड़ी लेके आ जाऊंगा। अरे चलना यार चल। ये मुझसे नहीं होगा, उसी बैंक में मेरा अकाउंट भी तो है। ए इसीलिए तो उस बैंक में अकाउंट खुलवाया है, तेरे बाप की रकम उसमें रख के पूजा करने के लिए खुलवाया है। अगर कोई गड़बड़ हुई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझसे नहीं होगा। अगर तू नहीं करेगा तो ये काम कौन करे? उसके लिए ये रवि है ना। कौन ये? बस में ठीक से पॉकेट नहीं मार सकता इसकी तो, तुझे पता है वहाँ कौन आने वाला है? बिल मैनेजर बहुत ही होशियार रहता है, सब मिलके करेंगे तो ही पैसे लूट सकते हैं। ठीक है जो करना है वो करो। बस में तो पॉकेट मारने के लिए थर्ड मैन होता है, लेकिन बैंक में? देखो जब बैंक में जाएंगे तो नया अकाउंट खुलवाने के लिए, जानकारी हासिल करने के लिए कोई ना कोई इधर उधर भटक रहा होगा, किसी से जानकारी पाने के लिए सोचेगा लेकिन पूछेगा नहीं, और बैंक में सिक्योरिटी गार्ड उसे शक की नजर से देखेगा। ए सुन, वही है हमारा थर्ड मैन। अब लाइन में लगे मिल मैनेजर के पीछे हमारा आदमी होना चाहिए, मैनेजर के पीछे जीवा और उसके पीछे वीर। तो फिर थर्ड मैन क्यों? अरे कितनी बार का है, बीच में मत टपका कर। अब ये थर्ड मैन किसी भी तरह से फॉर्म फिल करके जब लाइन में तुम्हारे पीछे लगेगा तो तू एक्सक्यूज मी आप यहाँ आ जाओ मुझे थोड़ा काम है। उसे खड़ा करके जब तू जाएगा। सर ये पैसे कहीं आपके तो नहीं है? अब मैनेजर वो पैसे उठाएगा और सबकी नजरें उन नीचे गिरे हुए पैसों पर होंगी। अब बारी है तेरे हाथ की सफाई की। हेलो थैंक्स। किस लिए? आपने मेरी गाड़ी मेरे घर पर लाके छोड़ दी इसीलिए। सॉरी मैंने आपको गलत समझ लिया था, आपको लौटने में देर हो गई थी तो चोरी कर ली ये सोचकर पुलिस में कंप्लेन कर दी, और घर आकर देखा तो मेरी गाड़ी वहीं खड़ी थी। आपको मेरा एड्रेस कैसे पता चला? डिलीवरी रिसीट से ना? हाँ। थैंक यू सो मच। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पैसे डिपॉजिट करने हैं या विड्रॉ करने हैं? विड्रॉ के लिए ही आया हूँ। तो उसके लिए आप लाइन में क्यों खड़े हैं? मैं यहीं पर काम करती हूँ, आइए मैं आपकी हेल्प कर देती। नहीं, नहीं, कोई बात नहीं मैं। अरे आप आइए तो सही। ये लड़की कौन है? ये वो स्कूटी वाली। माननीय मंत्री राजवीर जी का और हमारे नेता नारायण जी का, मंत्री शंकर जी का और हमारे कमिश्नर जी का, आत्मा सेवा संघ की तरफ से मैं धन्यवाद और हार्दिक स्वागत करता हूं। और अब मंत्री शंकर जी पुरस्कार बांटेंगे। कौन से कॉलेज में पढ़ती हो? JJM कॉलेज। अच्छा पढ़ो पढ़ो, कोई मदद चाहिए तो मुझसे मिलने आ जाना। ओके सर। हाँ। नमस्ते सर। नमस्ते, ले लीजिए। अब मंत्री शंकर जी से मैं अनुरोध करता हूँ कि वो 2 शब्द कहें। करीब करीब 40 बुजुर्गों को हमारी पार्टी ने उनका हक दिलवाया और छात्र छात्राओं के भविष्य के लिए नई नई योजनाएं शुरू की हैं, और अब आपके सामने हमारे कमिश्नर साहब 2 शब्द कहेंगे। ये बहुत ईमानदार अफसर है,
इसी उम्र में इन्होंने इतना बड़ा सम्मान पाया है, मुझे इस बात से बहुत खुशी मिल रही है। और इसका जो मुख्य कारण है वो हमारे बहुत ही करीबी मित्र के दामाद हैं। भविष्य में समाज के लिए बड़े बड़े काम करके या उससे भी बड़े बड़े पुरस्कार पाए, यही हमारी कामना है। बुरा मत मानना, बोलिए सर, मेरी वाइफ को अर्जेंट कहीं जाना है, नई नई कार है इसीलिए किसी को दे नहीं सकता, तुम इसे मेरे घर पहुंचा दो, मैं डिपार्टमेंट की गाड़ी से आ जाऊंगा। ये पुरस्कार देने के लिए शुक्रिया, मैं हमेशा उज्जवल भविष्य की ओर ही देखता हूँ। छोटे छोटे क्रिमिनल्स को पकड़ के उन्हें सुधारता हूँ ताकि वो बड़े क्रिमिनल बनने से बचे, और यही हमारा उद्देश्य भी है। अंदर क्या कर रहा है? मेरी कार है, मैं अंदर चाहे कुछ भी करूं। तेरी तो कमिश्नर की कार में बैठ के जवाब दे रहा है। कांस्टेबल्स जल्दी आओ, सर जल्दी आओ, शीशा तोड़ो, 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 जल्दी करो, जल्दी। सिटी में चोरियां कम हुई हैं। कम ऑन, पीछा करो उसका। और मेरे डर के कारण चोरों की हालत खराब हो रही है। ए, क्या हुआ? कोई आपकी गाड़ी चुरा कर ले गया था। और तेज भगाओ उसका, पीछा करो। छोटी छोटी चोरियां करता है सर, और आज तक कभी पकड़ा नहीं गया, बड़ी होशियारी से चोरी करता है। उसका नाम क्या है? वीर। सर, मैंने गाड़ी में बॉम्ब नहीं रखा था, मैं तो म्यूजिक सिस्टम चुरा रहा था। पता होता कि आपकी गाड़ी है तो मैं उसे देखता भी नहीं सर। तेरी तो झूठ बोलता है। लीव हिम, तू जा। सर तू जा ना। सर इसे पूछताछ करनी है, तू जा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ए, भाग। सर इतनी बड़ी घटना हो गई, आपने उसे क्यों छोड़ दिया, समझ में नहीं आ रहा है। सर, इस बम ब्लास्ट में क्या वीरू का ही हाथ है, बताइए ना सर। अगर उसी ने बॉम्ब रखा होता तो उसी कार से वो भागने की कोशिश नहीं करता, क्यों? सही कहा ना सर? वैसे उसने कई लोगों को सेव किया है। तो बॉम्ब किसने रखा सर? ढूंढेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है, आप घर जल्दी आ जाइए ना। क्या कहा उसने? उन्हें थोड़ा काम है, काम खत्म होते ही आ जाएंगे कहा। जब देखो काम। इसीलिए मैंने तुझे बार बार समझाया करता था कि पुलिस वाले के प्यार के चक्कर में मत पड़ना। अब देख लिया ना, पता नहीं कौन उसकी कार लेकर गया और कार उड़ गई। अगर ये उसके अंदर होता तो सबसे पहले अपने पति से कहो कि वो इस नौकरी से इस्तीफा दे दे, घर का सारा खर्चा मैं उठा लूंगा। पिताजी, आप उनसे ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे। तुम कभी नहीं सुधरोगी, जो करना है वो करो। जो मेरी गाड़ी लेकर गया था उसकी फोटो छपी है पेपर में, देखना। क्यों, किसी चोरी के केस में? कहीं ये जेम्स बॉन्ड का तो काम नहीं कर रहा ना? इसकी शक्ल देख के लगता है इसके पास कोई काम नहीं है। मैं तुम लोगों को ये क्यों बता रही हूँ? अरे जननी, मेरी सारी सहेलियों की शादियाँ हो रही है, तेरी कब है? अरे क्या हुआ, जवाब क्यों नहीं दे रही? ये नहीं बताने वाली हूँ।
हेलो, मैं आपसे मिलने की सोच ही रही थी। दीपिका, ये है वीर। हेलो। न्यूज़पेपर में आपकी फोटो देखी, आपने कितने लोगों की जान बचाई है। आप सच में बहुत ग्रेट हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू। अरे बाप रे। हाँ? क्या हुआ अंकल? बैग में से गहने गायब हैं। ये कैसे हो सकता है? ये क्या कह रहे हैं आप? अगले हफ्ते तो शादी है, अब हम क्या करेंगे? आपको ध्यान रखना चाहिए था। मुझे पता ही नहीं चला, किसी ने ब्लेड से काटा है। एक मिनट, जरा वो बैग दीजिए। बैग तो मेरे हाथ में ही था। चिंता मत कीजिए, आपके गहने मिल जाएंगे। ए, ब्लेड रखा कहाँ है पता लगा? आप लोग वेट कीजिए, मैं आता हूँ। क्यों वीर, कैसे हो? गहने निकाल। कौन से गहने? अरे वो शादी के गहने, चल निकाल। कितनी मुश्किल से उन्हें मारा है, सुबह से उनके पीछे घूम रहा था। तू जा अपना काम करना। कहा ना, निकाल। तू बाद में बहुत पछताएगा वीर। अबे जा। बैग आपके पास था, फिर भी गहने तो चोरी हो गए। ध्यान रखना चाहिए। अरे लीजिए, आपके गहने चेक कर लीजिए। सारे गहने सही सलामत है। थैंक यू वेरी मच। इट्स ओके। बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार ध्यान रखना। जरूर। अब गहने चल चल, शुरू होता है। ए मास्टर, अबे चाय को उबाल उबाल के स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, तू नहीं बनाता है क्या? ऐसी हाथ हटा, जब देखो बंदरों की तरह हाथ उठा के खुजाता रहता है। अरे वीरू, एक हफ्ते की बासी चाय है, अगर इसी तरह इसकी चाय पीते रहेंगे ना तो राम नाम सत्य हो जाएगा अपना। ए वीरू। हाय। मोबाइल चाहिए? इसे ऐसे क्यों देख रहा है, अपनी ही पार्टी है। 4000 का है, N72। ये क्या वीरू, शोरूम का भाव बोल रहा है। तो शोरूम से जाके लो ना, यहाँ क्यों आए हो? पहले सेट तो दिखाओ, फिर बात करते हैं। सेट देखना है? एक मिनट रुक। मास्टर जरा अपना दांतों का सेट दिखाना, तो इनको देखना है। मैंने बोला ना नहीं है, चला था निक। 4000 ओके, सेट दिखाओ। ए सुन ना, घर में अलमारी में। तू चलना यार, कार खड़ी है। चलो वीरू, पार्टी को संभाल लेना, चलता हूँ। ये क्या कर रहे हो यार? तू बहुत बड़ा दादा है। सॉरी 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 यार। जान से मार डालूंगा तुझे। भैया गुस्सा मत कीजिए ना, उससे गलती से हो गया, हमारे वीर की भी तो गलती है। ये मैं भी जानता हूँ, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, उसके लिए गुंडे ले जाकर मारोगे, फिर भी यहाँ आना पड़ा ना। ये सब गलत है, बोल के ही मैं इसे यहाँ ले आया हूँ। और तूने जाल बिछाया? नहीं भैया, दरअसल बात यह है कि मुझे पता नहीं था यह सब होगा। तेरी जात का मोबाइल, पता है ना अनजान आदमी को यहाँ नहीं लाना। राका साथ में था। ए सुन, आइंदा ऐसी गलती मत करना, अब जा। भैया बीरू को भी जरा, वो मैं देख लूंगा, तो निकल। अच्छा ठीक है। क्या हुआ राका, हाथ टूट गया क्या? ये मेरा गेम बजाना चाहता था। क्यों बे, तूने ऐसा क्यों किया? मुझे मारने के लिए गुंडों को लाया। बेकार में मारने के लिए लाया,
तू भी साथ में था क्या? वो दरअसल वो बैंक वाली लड़की कह रहा था कि वो उसका दोस्त है तो। अबे दिमाग से पैदल हो क्या? हम चोर उचक्के हैं, ये हीरोपंती क्यों? तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए, अब जाओ। चलता हूँ भैया। चलता हूँ। ऐरा गहरा तुझ पर हाथ उठाए मुझे दुख होता है, इसीलिए सॉरी। इन लोगों ने थोड़ी मुझे मारा, मैंने ही उन्हें मारा। तू कब सुधरेगा? मुझे डर लगता है, ऐसे ही उस दिन कमिश्नर की गाड़ी उठाकर ले गया, कुछ हो गया होता तो। अब तू अकेला कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ जाएगा, ठीक है? चल, तू घर जा रहे। अरे हेलो, ये क्यों फिर से काम बिगाड़ने आ गई? पिताजी कुछ भी करके बस संभाल लो आप प्लीज। पिताजी जानवी मेरी फ्रेंड है। ओह हेलो बेटी, हाउ आर यू? फाइन। आ जाओ आ जाओ, ये अपना ही घर है, आर हाउस, प्लीज कम, आ जाओ अंदर आ जाओ। ए हाँ? ये पहली बार घर आई है और फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक्स भी नहीं है, बाहर जाकर कुछ कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स। ठीक है अभी लाता हूँ। तुम आओ बेटी प्लीज कम। ये सोफा अच्छा है ना? बैंगलोर से मेरे एक फ्रेंड ने भिजवाया था, और ये जो लैम्प्स हैं ये फॉरेन से मेरा एक दोस्त लेकर आया था, और ये जो शिवजी की मूर्ति है इसे मैं ऋषिकेश से लेकर आया था। और ये? ये मेरे भाई की बेटी है। नाम क्या है? इसका नाम बहुत अच्छा है। मेरी फ्रेंड है और ये उसी का घर है, फॉरेन में जॉब करती है और वहीं सेटल हो गई है, कभी कभी यहाँ आती है, और इस घर की चाबी सिर्फ मेरे पास ही है। ये सब क्या है? ये सब करना गलत नहीं लगता? इसमें गलत क्या है? जिस घर में कोई ना हो उस घर में चोरी करना गलत बात नहीं है। तुम्हारी उम्र क्या होगी? यही कोई 19-20 ना? ये सही है ये गलत है किसने सिखाया होगा? तुम्हारे माँ बाप ने या तुम्हारे दोस्तों ने सिखाया होगा, लेकिन ठंडे दिमाग से सोचने पर क्या सही है क्या गलत तुम्हारा ये तर्क दूर हो जाएगा, क्योंकि दुनिया में हर कोई कोई ना कोई गलती करता है, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी गलतियों पर पर्दा डाल देते हैं। राजनेता गलती करे, चाणक्य बिजनेसमैन गलती करे तो बिजनेस मैग्नेट, और मुझ जैसा कोई चोरी करे तो चोर। जो गलती करता है वो कभी अपनी गलती मानता है क्या? अच्छा तुम बताओ गलत क्या है? अब इनकम से ज्यादा संपत्ति रखना ये बात हर कोई जानता है। अब अपनी फ्रेंड को ही ले लो, वो फॉरेन में रहती है, एक महीने में लाखों कमाती है, तो उसके लिए यहाँ घर क्यों, इतनी बड़ी संपत्ति क्यों? क्या ये गलत नहीं है? तुम बैंक में काम करती हो ना, वहां एक क्रेडिट कार्ड देते हैं ना, उस कार्ड को लेने वाले ग्राहक को विस्तार से सारी जानकारी देते हो क्या तुम लोग? नहीं देते हो, बता दोगे तो कोई कार्ड नहीं लेगा, वो बेचारे लेके ब्याज पे ब्याज देके अधमरे हो गए हैं। तो इस तरह किसी को धोखा देना क्या ये गलत नहीं है? ये सच्चाई जानकर क्या बैंक की नौकरी छोड़ दोगी? नहीं छोड़ोगी ना, सर्वाइवल प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम मुझे है। मुझे लगा था तुम में कोई बेसिक प्रॉब्लम है, लेकिन तुम्हारा बेस ही गलत है। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, ये इसकी सहेली का घर है, बुरी तरह फंस गए। सॉरी। तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। सबसे पहले तो इस घर से बाहर निकल जाओ, वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। अगर ऐसे ही छोड़ देती तो वो मुझसे भी चोरी करवा लेता। कुछ लोग जो हैं वो पेट की खातिर चोरी करते हैं या फिर चोरी का कोई और कारण बताते हैं, लेकिन ये कहता है चोरी करना गलत नहीं है। अगर बाप ही गलत होगा तो औलाद कहाँ से सुधरेगी? तू ही बता। तेरा उसके साथ कोई चक्कर नहीं है ना, तो तू उसकी चिंता क्यों कर रही है? वैसे वो अच्छा ही है लेकिन... बंद कर, दो दिन से ये उसी के बारे में बात किए जा रही है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ए ये क्या कह रही है? ये कह रही है वो चोर है, तेरे लायक नहीं है। ठीक मुंह बंद कर, तू अपना दिल बंद रख। हाय। क्या है? पैसे निकालने हैं। तो लाइन में लगो ना, वहाँ भीड़ ज्यादा है। बाकी के लोग लाइन में लगे हैं ना, तुम क्या वीआईपी हो? मैं कह रही हूँ ना जाओ। आज तक मेरे साथ किसी ने ऐसे बात नहीं की, लेकिन तुम इस तरह से बात कर रही हो सुन के मेरा मन दुखी हो गया। कोई बात नहीं, एक मिनट,
मैंने सोचा था मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगी, पर खुद को रोक नहीं पाई। तुम जो जिंदगी जी रहे हो वो सही है या गलत है, जरा सोच कर देखो। ज्यादा सोचूंगा तो जी नहीं पाऊंगा। अगर नहीं सोचोगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं आ पाऊंगी। नहीं जानवी, ये सही नहीं है। क्यों, क्या हुआ? कोई जवाब नहीं है ना। ए, गाड़ी रोक। इधर आ। सर, तू यहाँ क्या कर रहा है? बैंक में तेरा क्या काम? सर, आपको क्या लगता है मैं यहाँ चोरी करने आया हूँ? हमें दूसरे भी काम रहते हैं, यहाँ पैसे जमा कराने आया था। पासबुक दिखा। ये लो सर। गाड़ी में बैठ। सर, चल के गाड़ी में बैठ। अंदर आ। गुड मॉर्निंग मैडम। हाँ, नमस्ते। ये कौन है? वही मैडम, सर की कार ले गया था ना वीर। ओ, आओ अंदर आओ। सावित्री। हाँ, अभी आई, तुम बैठो ना। अरे घबराओ नहीं, जा बैठ जा, मैं आता हूँ। आपका नाम क्या है? गौतम, आज मेरा बर्थडे है। थैंक यू। आप थैंक्स नहीं बोलेंगे? थैंक्स। तुम वीर से मिलना चाहती थी ना, ये वही है। संभल कर, संभल कर। नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है? आज मेरे बेटे का बर्थडे है। आइए। साहब कहाँ है? वो अंदर ही है। मैं कौन हूँ ये आप अच्छी तरह से जानती है, फिर भी मेरे लिए। ए, नाश्ता हो गया ना, चलो अब जाओ। हाँ, चलता हूँ सर। दादू। अरे आजा बेटे, जन्मदिन मुबारक हो बेटे। हैप्पी बर्थडे टू यू। नाश्ता कर लिया? हाँ। आइए पिताजी। इसे मैंने कहीं उस दिन कार ब्लास्ट हुई थी। हाँ, ना खुश रहो, बहुत अच्छा काम किया था। तुम्हारा नाम? वीर। 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 हाँ, मेरा दामाद तुम्हारी बहुत तारीफ करता रहता है। देखो बेटे, ये सब काम छोड़ दो, ठीक है? अगर तुम्हें काम की जरूरत है तो मुझसे कहो ना, मैं सिफारिश करके लगवा दूंगा, ठीक है? ध्यान रखो अपना। हाँ, बहुत अजीब नहीं लगता पिताजी? ये चोरी करता है, ये चोरी करता है, मैं चोरी करता हूँ, और तो और आप भी चोरी करते हो। हमें कभी बुरा नहीं लगा, लेकिन वो लड़की मुझसे अपना बैग छुपा रही थी तो मुझे बहुत बुरा लगा। और आज कमिश्नर के घर पे अंदर गया तो बदन कांपने लगा। नहीं पिताजी, छोड़ देते हैं। छोड़ दें? कमिश्नर के घर पे मिनिस्टर से मिला, उसने नौकरी दिलवाने का वादा किया। उस मिनिस्टर के कहने पर तुझे इतना भरोसा हो रहा है? कल जाकर मिल उससे, पूछेगा कौन है तू। बात करता है। इन 30 सालों में मैं कितने लोगों से मिला हूँ, कितने ही लोगों ने मुझसे कहा होगा कि तुझे नौकरी दिलवा दूंगा, तेरा बढ़िया भविष्य बना दूंगा, कांस्टेबल से लेकर गवर्नर तक, पर किसी ने कुछ नहीं किया, क्योंकि उनके अपने ही हजारों प्रॉब्लम्स हैं। उन हजारों प्रॉब्लम्स के बीच मुझे या तुझे देखेंगे तो लोगों के बीच नाम कमाने के लिए 2 शब्द बोल के चले जाएंगे और अगले ही पल वो भूल जाएंगे, क्योंकि तेरे लिए वो एक ही मिनिस्टर है लेकिन उनके लिए हमारे जैसे बहुत हैं। आप यही बोलोगे, मुझे अच्छी तरह से पता था, कल से मैं ये काम नहीं करूंगा। भले ही मुझे दिन भर मजदूरी करके 30 रुपया मिले, मेरा मालिक मेरे जरिए भले ही 30,000 क्यों ना कमा ले, मैं कल से ये काम नहीं करने वाला। ए, ए! मैंने कहा था ना, ये एक बिल्ली है, सिर्फ म्याऊं म्याऊं करेगा। उसका गुस्सा देखा, इतने दिनों से ये काम कर रहा है, उसे पता ही नहीं चला कि गलत क्या है, बस एक हॉबी की तरह काम किए जा रहा था। मैंने उसी दिन सोच लिया था, जिस दिन दिमाग खिसकेगा ये काम छोड़ देगा। ये जो अंतरात्मा है ना, जब इसकी आवाज आती है ना तो ये हमें कोसती है,
जरा सा भी अपमान झेल नहीं पाया, एकदम बदल गया। ए, बोल हो गया। देख क्या? अरे वो कमिश्नर है ना, उसने मेरे पास बैठकर ऐसे कंधे पे हाथ डालकर तेरी अंतरात्मा को जगा दिया क्या? हट, चल, तू नहीं समझेगा। वीर को अब जेल भी हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमिश्नर का नाम लेगा छूट जाएगा। ये गलत है, चोरी करना ही गलत है। आज जब मैं कमिश्नर के घर पे नाश्ता कर रहा था तो अंदर से अजीब उल्टी आ रही थी क्या? फील हुआ। पहले तो फूल मारता था। हाँ, पहले फूल मारता था और बाद में फील होता था। मैं कौन हूँ? हाँ, एक्यूज्ड। फिर भी उन्होंने मुझे अपने साथ बिठा कर सब उतर गई। क्या? अरे दारू जो चढ़ी हुई थी सब उतर गई, ये काफी नहीं है। तो उसके लिए तो और मंगवाना? तो मंगा लेना। और पैसे? दारू पियेंगे तो पैसे खर्च होंगे सोचकर कमीज पहने बिना बनियान में आ गया। अरे ये क्या है? एटीएम कार्ड। अरे धक्का मत दे यार। संभल के संभल के, सीढ़ियां हैं। हां हां पता है। वीर, ये कार्ड डाल के दारू पीने के लिए पैसे निकालने पड़ते हैं। कार्ड डालने से डायरेक्ट दारू मिल जाते तो अच्छा होता ना, सरकार को बोलना पड़ेगा। क्या हुआ रे, पैसे नहीं है? 5 लाख रुपए है। अबे तेरे अकाउंट में कुछ गड़बड़ हो गई है, ठीक से देखना, 500 ही होंगे। ये क्या यार, 5 के बाद इतने सारे जीरो हैं? सच में 5 लाख है यार, दे निकालना। एक और 50,000 निकाल लेना। अबे एटीएम में एक दिन में 25,000 से ज्यादा नहीं निकलता। ए सुनना, निकालेगा तो घर लेके जाएंगे ना। पहले ये खर्च करते हैं, चल। तुझे और कुछ चाहिए? अरे छोड़ो। ए नहीं नहीं, बस बस। ए मेरा हो गया। अरे यार ऐसा क्यों कर रहे हो? ठीक है, दारू मत पी। ए मेरे बाप के बोलने पे मैंने नहीं छोड़ी तो तू छुड़वाएगा क्या? ये बात नहीं है। अच्छा दूसरा कुछ मांग ले। अब तो मेरे पास पैसे है ना, चल मांग। मैं मांग लूंगा। अरे मांगना, तू बुरा मत मानना। सरोजा से बदला लेना है यार। अरे क्यों यार, उस दिन जब उसके घर पे गया तो उसने क्या किया पता है क्या? क्या बात है, आज सूरज कहाँ से निकला? हमेशा तो तू इस घर को बाहर से देखकर चला जाता था, आज अंदर कैसे आ गया? हाँ क्या बात है। सरोजा, तुझे ये सरोजा चाहिए? कितना माल लाया है? ये लो। इतने में तो तू सिर्फ मुझे देख सकता है, जाके कोने में बैठ जा। फिर तो तू कोने में जाके बैठ गया होगा। चुप तेरी तो। ए, अपना गुस्सा यहाँ मत दिखा, चल चल के सरोजा को दिखाते हैं। तू सुब्रमण्यम का बेटा है ना, यहाँ कैसे आना हुआ? अरे क्या चाहिए तुझे? 5 किलो चावल और 1 किलो दाल चाहिए। तेरे। ए, कहाँ है वो जिसने इसे कोने में बैठने के लिए कहा? बुलाओ उसे। सरोजा। अबे चुप रह। सरोजा। हाँ? अरे वीर, तेरी तो ए, इसके मुंह पे मार। ए, यही खड़ी रह। तू डांस बार में डांस करती है ना, तूने इसे दूर से देखने के लिए कहा था, बहुत चर्बी चढ़ी है। वो तो तब कहा था। तू जैसी को सिर्फ देख ही सकते है। ए, देख लिया ना, चल। ए, इतने पैसे दे के सिर्फ देखने के लिए बोल रहा है, सारे पैसे बेकार हो जाएंगे। ए, कम से कम एक बार उसको छूने तो दे यार। फालतू बातें नहीं करने का। अरे ए, इस पूरे एरिया की कीमत क्या होगी यार? अरे ज्यादा नहीं है, बात कर सकते हैं। अगर हमने पूरा एरिया खरीद लिया ना तो वो है ना, सबसे पहले तीसरी मंजिल वाले गंजे को निकालेंगे और फिर उस मकान मालिक को। क्यों यार, उसको क्यों निकालना है? ये पूरा एरिया जो खरीदना है। ए,
इतनी देर क्यों लगा दी? कहाँ गए थे? कहीं नहीं। ये लो, ये पैसे रख लो। इतने पैसे कहाँ से आए? बैंक से। हाँ? बैंक में डाका डाला? अकाउंट में आए हैं। अकाउंट में यानी? हाँ, 5 लाख। बाबू, अब तुम्हें जो भी चाहिए ना मुझसे मांग लेना। ए, क्या हुआ होगा पता है? किसी ने चेक या कैश गलती से तेरे अकाउंट में डाल दिया होगा। तो उसमें क्या हुआ? हमारे अकाउंट में है, हम खर्चा कर देंगे। अरे, तेरे कोई 50 रुपए लेकर चला जाए तो तू क्या मान जाएगा? 5 लाख रुपए कल सुबह जब वो देखेगा तो सबसे पहले उसका यही काम होगा। उससे पहले हम निकाल ले तो? तूने तो कहा था कि 30 रुपए की मजदूरी करेगा। ऐसी बात नहीं है, जहाँ भी चोरी करने जाते हैं उस घर को हम अपना ही घर मानते हैं ना। तब मैं आपके जैसा ही बनने का सोचता था, पता है? वो 30 रुपए में नहीं हो पाएगा ना। हम तो पैसे चुराना ही जानते हैं ना। अब पैसे खुद चल के हमारे पास आए। ए, अपना कोई एक लक्ष्य बना। बाबू, आप सो जाओ, कल सुबह उठ के बैंक जाना है। ठीक है। अरे अब सो जाओ ना। अरे चलना। मिस्टर वीर, आपको अपना अकाउंट क्लोज करना है ना? हाँ। आपको मैनेजर बुला रहे हैं। ये आपको मजाक लग रहा है क्या? हैं? नहीं, तुम अपने आप को समझते क्या हो? वो गलत तो लगता है, लेकिन पैसों की जरूरत है। अरे तो पैसे निकाल लो ना, उसके लिए अकाउंट क्लोज करने की क्या जरूरत है? जब 1000-2000 थे तब तो अकाउंट रखा हुआ था, अब तो उसमें 25 लाख रुपए है। अब यहाँ का अकाउंट क्लोज करके तुम दूसरे बैंक में जाना चाहते हो, ये कोई बात हुई क्या? तुम्हें हमारे बैंक पे भरोसा नहीं है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस पैसों की जरूरत थी। तो कितने चाहिए? फॉर्म में फिलअप कर देता हूँ। कितने निकाले? 5। हाँ बस 5, बहुत ज्यादा है। 20 लाख रुपए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, लगता है तुम्हारा बिजनेस बहुत फल फूल रहा है। बिल्कुल सही, आजकल इंडस्ट्री बहुत ग्रोथ कर रही है ना। हाँ, बहुत ग्रोथ कर रही है। अच्छा, मैं पूछना चाह रहा था कि आपका बिजनेस क्या है? हाँ, रियल एस्टेट का बिजनेस। ओ, तब तो पैसों का फ्लोटिंग बहुत बढ़िया होगा। आगे से सेविंग अकाउंट में मत रखिएगा, एक करंट अकाउंट खुलवा लीजिए। ये एक फॉर्म है, इस पे साइन कर दीजिए, बाकी की सारी फॉर्मेलिटीज मैं पूरी कर दूंगा। इसलिए निकाल दिए। बापू, इतने उदास क्यों लग रहे हो? पूछे बिना घर लिया इसलिए? नहीं नहीं, ये बात नहीं है। एक बार गलती से किसी का अमाउंट तुम्हारे अकाउंट में आ गया, ठीक है, लेकिन बार बार आ रहा है, जरूर कुछ गड़बड़ है। हमने कहीं डाका डाला है या चोरी की है, पैसा हमें ढूंढ कर आया है, और आप कह रहे कि इसे वापस दे दे। गलती उसकी है जिसने पैसे डाले हैं। अरे छोड़ो ना। कौन है इसका पता लगा? यस सर। बाबू सो गया क्या? ये उस लड़की का मोबाइल है ना? यस सर। नहीं नहीं, मैं यहां बात कर रहा था। सर, पिछले हफ्ते तो पिताजी से मिले थे, अब फिर से? अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। सर, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दें। ये यहां पर कैसे पहुंचा? हाथ लगा हुआ एविडेंस देकर चला गया। हाँ हाँ। यस सर। सुनो। यस डॉक्टर। देखो, फौरन उनके लंग्स का ऑपरेशन करना होगा, 1 लाख का खर्च है, जितनी जल्दी पैसे जमा करोगे उसके लिए अच्छा होगा। सब अच्छी तरह से चेक कर लिया सर। हेलो सर। आइए। मेरे पास टाइम नहीं है, फ्रेंड को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है। पैसे अगर जल्दी मिल जाए तो अच्छा होगा।
दरअसल आप अपने अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकते। क्यों? मेरे अकाउंट में पैसे तो है ना। हाँ, लेकिन उसी में एक छोटी सी प्रॉब्लम है। आपके चेक्स क्लियर नहीं हुए हैं, ऐसा 2-3 कस्टमर्स के फोन आए थे। जब जांच की तो पता चला कि वो आपके अकाउंट से डेबिट हुए हैं। जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, आप पैसे नहीं निकाल सकते। प्लीज सर, थोड़ा अर्जेंट है, कुछ तो कीजिए। आई एम सॉरी सर, आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, 1-2 लाख तो आप बाहर से भी अरेंज कर सकते हैं। 2 या 3 दिन में एवरीथिंग विल बी क्लियर। इस वक्त मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। पिताजी, आप कहाँ हो? मैं कितनी मुसीबत में हूँ आपको पता है? गणेश के ऑपरेशन के लिए डॉक्टर वेट कर रहे हैं और मेरा अकाउंट भी सीज हो गया है। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो किसी और ब्रांच में जाकर चेक डाल के पैसा निकाल ले। अकाउंट सीज कर दिया है पिताजी। तो पहले मेरी बात ध्यान से सुन। पैसे नहीं मिले तो परेशान मत होना, और अगर मिल गए तो फौरन मुझे फोन करना। कैसे निकालू? मैंने कहा ना कि मेरा अकाउंट सीज कर दिया है। अरे कोशिश तो करना। हेलो वीर, तुम्हारे अकाउंट में सचमुच में प्रॉब्लम है। जैसा मैनेजर ने कहा, सच में किसी क्लाइंट ने कम्प्लेन की है। पास में कोई दूसरा ब्रांच है क्या? लेकिन तुम्हारे अकाउंट में इतने पैसे आए कहाँ से? वो सब बाद में बताऊंगा, पहले दूसरा ब्रांच है या नहीं बताओ। भारती नगर में है। एक्सक्यूज मी, पेन। पासबुक। पाँच सौ के नोट दूं या हजार के दूं? कुछ भी चलेगा। एक्सक्यूज मी सर, पासबुक। एक मिनट। हाँ बोल। पैसे निकाल लिए हैं, आप अभी कहाँ हो? यहाँ जल्दी ही मेरा काम भी खत्म हो जाएगा और निकल जाऊंगा। तू कहाँ है? भारती नगर में। ठीक है, मैं भी पास में ही हूँ, ऑन द वे पिकअप कर लेना। ओके। हाँ बोलिए सर। क्या हुआ पिताजी? अरे बताओ ना। अभी कुछ मत पूछ। उसकी जान से भी ज्यादा जरूरी काम कौन सा आ गया? अरे दिमाग मत खा, चुपचाप बैठा रहे। वीर तू उतर। जीवा वो बैग संभाल के रख। ठीक है, दोनों उतरो। क्यों? एक कहा ना, बाद में बताऊंगा, अभी उतरो। ऑटो। सुन तू हॉस्पिटल जा, पिताजी को मेरी जरूरत है। रुक रुक रुक।
पिताजी। डॉक्टर अंदर जाके देख लीजिए। पिताजी पिताजी मुझे कुछ नहीं हुआ है। वो लोग कौन थे? वो पीछा क्यों कर रहे थे? तू अकेला रह जाएगा सोचकर मुझे डर लग रहा है, लेकिन तू हिम्मत रख, मैं भी हिम्मत नहीं हारूंगा। सारे के सारे मिलकर मेरे बेटे को थर्ड मैन बना रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ वीर, तेरे चारों ओर बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन तू हिम्मत रख, मैं तुझे अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तेरे साथ हूं। हाँ। चिंता नहीं करना, मुझे कुछ नहीं होगा। उनके सर में भारी चोट लगने से ब्लड क्लॉट हो गया है, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। ये तो अच्छा हुआ कि वो कोमा में नहीं गए, लेकिन वो ब्लड क्लॉट्स मूव होने शुरू हो गए हैं। वो कितनी देर तक जिएंगे? 12-15 मिनट कुछ भी नहीं कह सकते। डॉक्टर आई एम सॉरी, मैं अपने बेटे को अकेला नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल चिंता नहीं करना। डॉक्टर डॉक्टर, पिताजी के नाक से खून बह रहा है, देखिए ना डॉक्टर। डॉक्टर आप चुप क्यों हैं? देखिए ना डॉक्टर, चुपचाप खड़े क्यों हो? कुछ करो। डॉक्टर मुझे कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर पिताजी मुझे जिंदा रहना है। डॉक्टर अपने बेटे के लिए जिंदा रहना चाहता हूं, मुझे बचा लो। डॉक्टर पिताजी मैं तुझे छोड़कर नहीं जाना चाहता। पिताजी पिताजी। अरे सोते हैं अभी। आ, 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 हर एक केस के लिए पुलिस डिपार्टमेंट कदम उठा रही है। इस सब के पीछे जिसका भी हाथ है वो जल्द से जल्द। ये सब क्या है? पता नहीं, 4-5 लोग आए थे और कुछ ढूंढ रहे थे, मैं अकेला उन्हें रोक नहीं पाया। आप पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे बताइए सर। इस सवाल का जवाब मैं यहाँ नहीं दे सकता, उसके लिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वहाँ पर हम बताएंगे। हेलो वीर। हाँ मैं वीर बोल रहा हूँ, मुझे फौरन तुमसे मिलना है। तू है कौन? 80 लाख रुपए दिए और फिर भी कह रहे हो मैं कौन हूँ? तुम्हें मुझसे जरूर मिलना होगा, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी आ जाओ। इस वक्त कहाँ है? बेस नगर ब्रिज के पास, जल्दी आ जाओ। तू जा। सर से पूछताछ करनी है। तू जाना, तू यहाँ क्या कर रहा है? बैंक में। बैंक में तुझे क्या काम है? चल गाड़ी में बैठ, अगर इसी तरह पैसे उड़ाएगा तो बाद में पछताएगा। सर हम लोगों ने क्या गलती की? मैंने तुमसे पैसे मांगे क्या? हम लोग अपना काम करके आराम से जी रहे थे, मेरे अकाउंट में पैसे क्यों डाले? मैंने पैसे डाले? आप बड़े ऑफिसर हो, ये खाकी वर्दी, इन सबसे मैं नहीं डरता। अगर आपको मुझसे प्रॉब्लम थी तो मुझसे भिड़ना था ना, इसमें मेरे पिताजी की क्या गलती थी? पी रखी है? पी है या नहीं? मेरे पिताजी को क्यों मारा? पता है किससे क्या बात कर रहा है? तेरे बाप को किसने मारा? तूने मारा। जिस दिन तेरी पैसों की लालच बढ़ी उसी दिन तूने अपने बाप को मार डाला था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तेरे साथी भी मारे जाएंगे। सब कुछ खुद करके इल्जाम मुझ पे लगा रहे हो? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो, लेके जाओ इसे। नहीं छोड़ूंगा त्यागराज, इसे थाने मत ले जाना। ओके सर, कहीं रास्ते में ही छोड़ देना। ठीक है सर, छोड़ो। बोल देना उसे, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। हाँ आओ त्यागराज, ये लीजिए सर। बहुत बहुत शुक्रिया। कौन है? कौन है?
रेवा ए चल चल जल्दी चल। छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो? बोला ना चल। ये क्या है, बिना जुर्म के ले जाते हो, कहीं पे भी छोड़ देते हो, आप कहाँ ले जा रहे हो? हैं? ये तो वही बताएंगे, चल। वही मतलब कमिश्नर क्या? चल आखिर मुझे अरेस्ट क्यों किया है? ए, कारण बताना जरूरी है, हैं? अब आपको क्या चाहिए? तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? नहीं जानता। लेकिन मैं जानता हूँ, लेकिन तू बता। अगर जवाब अच्छी तरह से जानते हो तो मुझे क्यों पूछ रहे हो? हाँ ए, बोलना। सर हाथ नहीं लगाना। एक तो बिना किसी जुर्म की मुझे अरेस्ट किया है, ऊपर से मार रहे हो, ये जुर्म है, मैं आपके ऊपर केस कर सकता हूँ। हमारे साहब से जबान लड़ाता है। हाथ हटाओ ना, आपको क्या जानना है? पैसे कहाँ से आए यही ना। अकाउंट में पैसे डाले कमिश्नर ने। उन्होंने किस लिए डाले? अरे ये जाके उन्हीं से पूछो ना। अब वो कैसे बताएंगे? तूने तो उन्हें मार दिया ना। क्या हुआ था ये मैं बताऊं? कमिश्नर ने करप्शन के सारे पैसे तुझे बेनामी बनाकर तेरे अकाउंट में डाल दिए और तूने उनकी जानकारी के बिना सारे खर्च कर दिए। इस बात को लेकर तुम्हारा उनसे झगड़ा हुआ और तुमने उनका खून कर दिया। यहाँ तक तो मैं जानता हूँ, लेकिन अब मैं जो जानना चाहता हूँ वो ये कि कमिश्नर और तुम्हारा संबंध और कमिश्नर किस किस बिजनेस में इन्वॉल्व था, जल्दी बता। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है सर, मैं सच कह रहा हूँ, कमिश्नर के खून के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है सर। अबे तू ऐसे मुंह नहीं खोलेगा। त्यागराज सर, उसे इनके साथ भेज दो। सर ये कमिश्नर का केस, इसलिए तो ये अलग है, तुम उसे लेके जाओ। ये सर। त्यागराज, इसने नेताजी के दामाद का खून किया है, मंत्री जी के करीबी है, इन सब में ज्यादा पढ़ना ठीक नहीं है, अब जाने भी दो यार। चल बाहर निकल। अबे जाना। जा। तू जाना। अबे जाना। के पट्टे उसे भगाकर मुझे कहानी सुना रहा है? ये बात मुझे नहीं है, तेरी बकवास नहीं सुननी। मैं कोई कारण सुनना नहीं चाहता हूँ। उस लड़के को कहीं से भी पकड़ के ले आओ। मेरी बेटी को विधवा बनाने वाला जिंदा नहीं बचना चाहिए। शंकर, पुलिस वालों से कुछ नहीं होने वाला, उसे जान से मार डालो। आधी रात को लड़की के घर आना गलत बात है, ये मुझे पता है, लेकिन क्या करूं, मुझसे रहा नहीं गया। अगर तुम यहाँ पर नहीं आए होते ना तो मुझे बहुत दुख होता। बिना किसी जुर्म के मैं फंस गया हूँ, इसके पीछे किसका हाथ है मैं ये भी नहीं जानता, लेकिन इसकी शुरुआत तुम्हारे बैंक से ही हुई है। मुझे यकीन है कि तुम्हारे बैंक का मैनेजर भी इसमें शामिल है। वैसे मुझे भी उस पर शक हो रहा है।
मैं उससे मिलना चाहता हूँ। कल ही उनका एक्सीडेंट हो गया है, इस वक्त वो अस्पताल में है। सर मुरली कुमार, फर्स्ट फ्लोर 204। थैंक यू सर। बैंक मैनेजर रामनाथन, वन सेकेंड, सेकेंड फ्लोर 18th वार्ड में। थैंक यू। हाँ बोलो। सेकेंड फ्लोर 18th वार्ड में है। ओके। अब हम मेहनत करके चले गए, अब हम किसके सहारे जिएंगे? ए, रुक, अपना चेहरा दिखा, अबे घूम ना। मैनेजर मर गया है। जिसने अकाउंट में पैसे डाले हैं, मैंने उसे देखा है। कौन है वो? उसकी फोटो खींची है, देखो। मेरे अकाउंट में पैसे डालने के लिए किसने बोला? वो मुझसे सवाल करेगा? खोल दरवाजा। बताओ पैसे किसने डाले और क्यों डाले? मैं नहीं जानता। अरे किसको बचा दिया? मुझे क्यों फंसाया गया? पॉल, मैं कुछ नहीं जानता। डिपार्टमेंट ने एक काम मुझे सौंपा था और मैंने किया। डिपार्टमेंट जो भी काम देता है उसके लिए कोई भी सवाल किए बिना हमें करना पड़ता है। एक्यूज्ड को पकड़ने के लिए कोई एविडेंस भी नहीं रहता है, हम एविडेंस क्रिएट करके एक्यूज्ड को पकड़ते हैं। ये केस भी बिल्कुल वैसा ही है, ये सब मुझे करना पड़ा। पैसे कहाँ से लाए थे? मैंने वो पैसे कई जगह से लिए थे। तूने आखिरी बार पैसे कहां से लिए थे? क्या हुआ? एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। ओ, आपसे मिलने के लिए कहा। एक मिनट, हेलो, बोलो शिवराम। मैं वीर बोल रहा हूं। बोलती क्यों बंद हो गई? मुझे तुझसे मिलना है। कहां मिलना है? सर, ठीक से ढूंढा उसे? सर पूरा एरिया छान मारा, वो कहीं नहीं मिला। वो यहाँ आएगा ऐसी इंफॉर्मेशन है, वो हमारे हाथों बचना नहीं चाहिए। जाकर देखो। हेलो, कहाँ पर हो? तुम्हारी बताई जगह पर हूँ। थिएटर की कार पार्किंग में, रेड कलर सेंट्रो 289। क्या हुआ?
बोलती क्यों बंद हो गई तेरी? सीट नंबर A5 तेरे लिए रिजर्व करके रखी है। और तू कहाँ है? सीट नंबर A6। राममूर्ति सर, वो सीट नंबर A6 पर है। ओके सर। उसके पास हथियार भी हो सकता है। यस सर। पब्लिक को भनक भी नहीं लगनी चाहिए, दबोच लो उसे। एक मिनट, हर एक सीट पर उसे तलाशना। ओके सर। वो बचना नहीं चाहिए। ओके। यस सर। क्विक, कम ऑन। कमिश्नर को क्यों मारा और उसमें मुझे क्यों फंसाया? मैं पुलिस ऑफिसर हूं और तुम मुजरिम हो, तू मुझसे सवाल करेगा क्यों रे? हैं? भेजा है? तूने नेताजी के दामाद को मारा, ऐसे ही छोड़ देंगे? अगर मैं तुम्हारी उम्र का होता ना तो उसका सिर काटकर यहां लेकर आता। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? जब तक वो लड़का जिंदा है मैं चैन से नहीं रह सकता। बस में पॉकेट मारना है तो हम मार सकते हैं, ये हमारा रोज का काम है, लेकिन ये सब क्या है? ये सब नहीं चाहिए, कोई गड़बड़ हो गई तो मुसीबत में फंस जाएंगे। सही कहा, कुछ और करते ना वीर। अरे वो पहले से प्रॉब्लम में फंसा है बेकार में, तुम लोग क्यों नेगेटिव बात कर रहे हो? हम लोग इसके लिए कोई नेगेटिव नहीं बोल रहे, बल्कि हम ये नहीं चाहते कि ये किसी मुसीबत में पड़े। अब नहीं होगा सोचे तो नहीं होगा ना, पॉजिटिव सोचे तो होगा। कल डीसी की फैमिली को उठाएंगे और उसके जरिए जानकारी पाएंगे। मुझे अभी क्या अभी चाहिए मम्मी? सुनो ऐसे जिद नहीं करते बेटा, देखिए आपको कहीं जाना है तो जाकर आ जाइए। अच्छा। मैंने कहा ना बाद में दिलाऊंगी। रुको, अरे देखकर नहीं चल सकते, यहाँ कौन सी भीड़ है? जानबूझकर धक्का मारते हैं। मैडम
है, जल्दी ऑटो निकाल, उस गाड़ी का पीछा कर। हाँ बोलो। मैं वीर बोल रहा हूँ। ऐ तुझे ये मोबाइल कहाँ से मिला? मोबाइल से परेशान क्यों हो रहे हो, तुम्हारी पूरी फैमिली मेरे पास है। ऐ वीर तो बहुत गलत कर रहा है। अभी तक तो नहीं किया पर कुछ भी हो सकता है। ये वर्कआउट होगा? अगर 5 मिनट में उसने फोन किया तो समझो वर्कआउट हो गया। सर क्यों रे, मेरे बीवी बच्चे कहाँ है? सर मैं मैडम को थिएटर में छोड़ के बाहर ही था, अचानक देखा तो हमारी गाड़ी बाहर जा रही थी। कार के अंदर मेरी फैमिली थी? मैंने ठीक से देखा नहीं सर। तो तू इस वक्त कहाँ है? सर मैं अपनी कार का पीछा ही कर रहा हूँ, लेकिन वो कहाँ गई पता नहीं है सर। यूज़लेस फेलो। वर्कआउट हो गया। क्या हुआ, कंफर्म कर लिया? क्या चाहता है तू? मिल के बताता हूँ। ओके। कहाँ है तू? ये क्या सर, अकेले बुलाया तो पूरी की पूरी फौज लेके आ गए। पहले उन्हें वापस भेजो। तुम लोग जाओ अपना काम देखो। सर वो गाड़ी उनके साथ भेज दो, आपको पिकअप मैं करूंगा। राममूर्ति। सर गाड़ी लेकर जाओ। सर अरे कहाँ ना लेकर जाओ। सर आप अभी मुझसे बहुत दूर हो, इसीलिए शिवनंद रोड तक भागते हुए आ जाइए। वो यहाँ से कितनी दूर है पता है? अरे तो क्या हुआ, आइए ना, मैं वेट करूंगा। वीर वो डीसी इसी तरफ आ रहा है। कहाँ है तू? सर मेरा एक दोस्त वहाँ आएगा, उसे अपना मोबाइल दे देना और वो एक आपको फोन देगा जो इनकमिंग के लिए ही काम आएगा। यहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे ठीक से देखो ना। ए वीर कहाँ है? ये उसी से पूछ लो। वीर लगता है ये जगह ठीक नहीं है, कत्तीपारा जंक्शन पे आ जाइए। अरे वो जगह कितनी दूर है पता है? अरे तो भाग के आओ ना। तू तो मेरे ही हाथों मरेगा। हेलो, मैं कत्तीपारा जंक्शन पर आ गया हूँ, तू कहाँ है? ठीक से देखो, तुम्हारी गाड़ी से ही आ रहा हूँ, आके बैठ जाओ। मुझे डराना चाहता है? मैं तेरे से डर कर नहीं आया हूँ, मुझे फैमिली से ज़्यादा अपनी ड्यूटी की परवाह है। तेरे नाम पर एनकाउंटर ऑर्डर है, चाहूँ तो मैं उसे रोक सकता हूँ, खुद सरेंडर हो जा। जीवा गाड़ी रोक, जाओ अपनी ड्यूटी देखो। मैं इस केस से तुझे बचा सकता हूँ, मेरी फैमिली को छोड़ दे। आप तो ईमानदार हो और मैं क्रिमिनल, तो आप मुझे क्यों बचाओगे बताओ ना। मेरी फैमिली कहाँ दफनाऊंगा बता दूंगा, उतरो। लगता है अब ड्यूटी से जरूरी फैमिली हो गई है। गाड़ी चला। कमिश्नर को क्यों मारा और उसमें मुझे क्यों फंसाया? शहर में लड़कियों का रेप करके उनकी हत्या करना ये एक आम बात हो गई थी। ये केस मुझे सौंपा गया था और मुजरिम को पकड़ने की मेरी तलाश जारी थी। तहकीकात करने पर पता चला सिटी का एक बड़ा साइबर सेंटर इस मामले में इन्वॉल्व था। 2 लोगों को अरेस्ट किया, उनसे पूछताछ के बाद ये पता चला कि उनके पीछे कोई वीआईपी है, लेकिन उन दोनों ने उस वीआईपी का नाम नहीं बताया। और उसी रात मुझे एक फोन आता है। हेलो, मैं उद्योग मंत्री शंकर बोल रहा हूँ। सर नमस्ते। सर नमस्ते, क्या कल सुबह मेरे घर आ सकते हो? सर
सुना है उस कंप्यूटर सेंटर के बारे में समस्या खड़ी कर रहे हो? वो अपना ही है, जानते हो ना? वो उस केस को बंद कर दो, बाकी तुम समझा देना। ठीक है, क्या करना है आप बताइए ना सर। हाँ, मेरे बताने में भी अर्थ है और ना बताने में भी अर्थ है। गाड़ी ट्रांसपोर्ट विभाग में ले चलो। मंत्री जी ने तुम्हारे परिवार की जानकारी ली। ईमानदार बनकर रहना गलत बात नहीं है, लेकिन उससे किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी एक लड़की और लड़का है ना, और तुम्हारी वाइफ एक प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर है ना। मंत्री जी चाहते हैं कि सब सुखी रहें, जब तक उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। वो लोग मेरी कमजोरी को समझ चुके थे और अपनी फैमिली के लिए मैंने उनका साथ दिया। लड़कियों की हत्याएं दिन ब दिन बढ़ने लगी। मैं कुछ नहीं कर सका, बस एक तमाशबीन बनकर देख रहा था। सॉरी सर, थोड़ी देर हो गई। उसके बाद पता नहीं अचानक क्या हुआ, कमिश्नर खुद आकर उस केस को हैंडल करने लग गए और पुराने केसों की भी फाइल्स ओपन कर दी। इधर मीडिया ने उस केस को ब्रेकिंग न्यूज बना दिया। ये सब क्या है? उस कंप्यूटर सेंटर के केस में मेरा नाम क्यों उछाला जा रहा है? ये सब होगा तुझे पता नहीं था क्या? छोटी सी बात थी, वो भी तुझसे नहीं संभली। कहीं ऐसा तो नहीं कि तू मेरे साथ गेम खेल रहा है? ऐसा कुछ नहीं है सर, दरअसल मैं। मुझे तेरा जवाब नहीं चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ। मेरे ऊपर गुस्सा क्यों हो रहा है? मैं ऑलरेडी प्रॉब्लम में हूँ। जो केस बंद हो चुके थे, कमिश्नर ने उन्हें दोबारा खोल दिया। एक केस होता तो कोई बात नहीं, मैं कुछ ना कुछ कर लेता, लेकिन एक के बाद एक। कभी कभार चीजें मन ना होते हुए भी करनी ही पड़ती हैं। कमिश्नर से बात करो। मैं उसी के लिए आया हूँ। मंत्री जी कमिश्नर के क्लोज हैं, उन्हें बोलो ना बात करें। यहीं पर समस्या है, मंत्री जी अपने जानने वालों से बात नहीं कर सकते। तुम बात करके देखो और उसे समझाओ, नहीं माना तो देख लेंगे। कमिश्नर से मैं ये बात कैसे कहूं, जब इस बारे में सोच रहा था तो एक और लड़की की लाश मिली। ए, पीछे हटो, पीछे हटो, चलो। कोई एविडेंस मिला क्या? नो सर। सॉरी सर, कुछ कहना चाहता हूँ। साइलेंटली आप कुछ कर रहे हैं, वो मिशन हमें भी बताइए, हम लोगों को भी कुछ सहायता मिलेगी। तुम जैसा सोच रहे हो उतना इजी केस नहीं है, इसके पीछे बड़े बड़े लोगों का हाथ है। अगर सावधानी से हैंडल करेंगे तो वो हमसे बच नहीं पाएंगे। बड़े बड़े लोग हैं आप बोल रहे हैं, बेवजह में प्रॉब्लम क्यों सर? अनदेखा कर दीजिए ना, हमें चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी फैमिली सेफ रहनी चाहिए ना। दोबारा ऐसी बात मत करना, नहीं तो बहुत बुरा होगा। लेकिन कमिश्नर ने मेरी एक नहीं सुनी, तो मंत्री के लोगों ने उन्हें भी मारने की साजिश रची। सबसे पहले जब उन्हें एक ट्रक से मारना चाहा तो तुम्हारी वजह से। अबे जल्दी आगे बढ़ा। अरे रुक जा, स्टार्ट कर रहा हूं। चोरी की गाड़ी है क्या रे? दूसरी बार उनकी कार में बॉम्ब रखा गया, इत्तेफाक से वो कार तू लेकर चला। अरे जल्दी तोड़ना। कार ब्लास्ट होने के बाद मुझे पता चला कि वो कमिश्नर को मारना चाहते थे। ये लड़का वीर है कौन? पहले भी हमारे काम में टांग अड़ाई है। वो नहीं आता तो उस कार में मैं उड़ जाता, वो कार मैं ले जाने वाला था। सर, लेकर तो नहीं गए ना? ये क्या बोल रहे हो मनोहर, मेरा पूरा परिवार अनाथ हो जाता। सर, आपका गुस्सा जायज है, पर मुझे क्या पता कि आप उसकी कार लेकर जाओगे। इतनी जल्दबाजी क्यों? मैंने कहा था ना कमिश्नर से बात करूंगा। लेकिन वो माना तो नहीं ना? कमिश्नर को ठिकाने लगाना इतनी आसान बात नहीं है मनोहर, ये तुम्हें भी पता है। उसका जिंदा रहना प्रॉब्लम नहीं है, उसकी कमिश्नर की जो कुर्सी है ना वो प्रॉब्लम है। किसी पुलिस वाले पर उंगली उठाना बहुत आसान होता है, और ये काम तुम मुझ पे छोड़ दो, इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं। उस वीर का भी कुछ ना कुछ करना होगा। मैंने कमिश्नर को करप्शन के केस में फंसाने की बात सोची। कमिश्नर से तेरे संबंध है, ये बात पब्लिक में फैलने लगी थी। आइए। साहब कहाँ हैं? वो अंदर ही हैं। कमिश्नर ने एक केस के लिए तेरे अकाउंट में पैसे डालने के लिए उसके एक सबॉर्डिनेट के साथ मैंने अपना भी एक आदमी लगवा दिया, और तू पैसे खर्च करने लगा। तुझे बेनामी बनाकर कमिश्नर के खिलाफ मैं करप्शन का जाल बिछाने लगा, और उसी दौरान मंत्री के घर से भाग कर आने वाली एक लड़की जो मरी, उसका फोन मुझे मिला। उसमें मंत्री के घर जो कुछ हुआ वो सब रिकॉर्ड हो चुका था, लेकिन अचानक कमिश्नर ने आकर वो फोन मुझसे ले लिया। ये उस लड़की का मोबाइल है।
अरे तुमने ये क्या किया? क्यों सर, क्या हुआ? वहाँ से जो लड़की भाग कर आई थी उसके पास मोबाइल था, उसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका था। सर वो मोबाइल मुझे दे दीजिए। अब तो हो ही नहीं सकता, कमिश्नर के हाथ लग गया है। ये आप क्या कह रहे हैं, अब क्या करेंगे? कमिश्नर एक्शन ले उसके पहले ही करप्शन के केस में उसे सस्पेंड कराना चाहा। 3 साल में 65 लड़कियों का रेप करके उन्हें मार दिया गया है, वो लोग बचने नहीं चाहिए। जरा अपनी जमीर की सुनो। सर मैं अपनी ड्यूटी ठीक से ही करता हूँ, इससे ज्यादा मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं सर? ईमानदारी। सर सब कहते हैं तुम अपनी ड्यूटी बड़ी ईमानदारी के साथ करते हो, अचानक क्या हुआ? कुछ समझा नहीं सर। इस केस में मुजरिमों को बचाना चाह रहे हो ना, क्यों? ऐसी बात नहीं है सर। मैं जानता हूं कि तुम उसके लिए मेरे साथ क्या क्या कर रहे हो। आज से पहले तुम बहुत ही अच्छे ऑफिसर थे, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। मेरी भी एक लड़की है, जब मैं रोजाना उसका चेहरा देखता हूं तो सोच में पड़ जाता हूं। हाय अंकल। हाय। हैप्पी न्यू ईयर। विश यू द सेम। श्वेता तुम अंदर जाओ। ओके। तुम्हारी बेटी भी बड़ी हो रही है, जरा सोच के देख लो। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बार बार रिक्वेस्ट नहीं करूंगा। अगर देर हुई तो मैं फंसूंगा, सोचकर तुरंत विजिलेंस को फोन लगाया। कमिश्नर के करप्शन के प्रूफ मेरे पास हैं सर, और तभी कमिश्नर जो फोन भूल गया था उसमें फोन आया। हेलो, मैं लाकर देता हूँ सर। और जब उन्हें फोन देने जा रहा था तो देखा कमिश्नर भूल कर नहीं गए थे, जानबूझकर छोड़ गए थे, ये मैं समझ गया। सर वो मंत्री जी हैं, आप जब चाहें तब उनसे नहीं मिल सकते। मनोहर एक मुसीबत में फंस गया, मंत्री जी को फोन दो प्लीज। जो भी प्रॉब्लम है पहले मुझे बताइए। थोड़ी देर पहले कमिश्नर मेरे घर आया था, मेरी बात रिकॉर्ड करने के लिए वो अपना सेलफोन ऑन करके चला गया था, और इसी बीच विजिलेंस को फोन करके मैंने उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई। अब उनका फोन मैं उन्हें लौटाने जा रहा हूँ। बुरी तरह से फंस गया हूँ मैं, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ पर बुलाया? बेस्ट नगर हाईवे ब्रिज के पास। ठीक है, आप वहाँ जाइए। उसको सब पता चल गया, अब मैं क्या करूँ? पहले वहाँ पहुँचिए तो सही, बाकी मैं देख लूंगा। हेलो वीर। मैं वीर ही बोल रहा हूँ, मुझे तुमसे मिलना है। तू है कौन जिसने 80 लाख रुपए दिए और कह रहे हो मैं कौन हूँ? इस वक्त कहाँ है? बेस्ट नगर ब्रिज के पास। त्यागराज इसे थाने लेकर नहीं जाना। ओके सर। कहीं रास्ते में ही छोड़ देना। ठीक है सर। लीजिए सर। बहुत बहुत शुक्रिया, तुम जा सकते हो। सॉरी सर। किस लिए? आपको देखता हूं तो मुझे डर लगने लगता है। लेकिन तुम्हारा चेहरा देखकर ऐसा तो लग ही नहीं रहा। सिचुएशन ही ऐसी है, मेरी फैमिली का डर दिखाया जा रहा है। आपके पीछे तो बैकग्राउंड है, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा सर। लेकिन सर मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, मंत्री के खिलाफ मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। सर सर। हे, तू पागल है क्या? ये क्या किया तूने? क्यों क्या हो गया, इतना सीरियस क्यों हो रहा है? जान से मार डालूंगा। तूने कमिश्नर को मारा है, कितना बड़ा इशू बनेगा पता है? कोई नहीं बचेगा, तुम्हारा मंत्री भी चाहे तो कुछ नहीं कर पाएगा। फालतू बकवास मत कीजिए, वीर अभी अभी यहाँ से गया है, उसी ने खून किया है, ऐसा केस बना दीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। इसके अलावा कुछ और मत सोचना, प्रॉब्लम आपको ही होगी। सब कुछ मेरे हाथों से निकल चुका था, अब उनकी बात मानने के सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मेरे बाप ने क्या बिगाड़ा था, उन्हें क्यों मारा? दरअसल उस दिन मनोहर ने मुझे फोन किया। बोलो मनोहर। सर हम कमिश्नर के घर में हैं, मोबाइल ढूंढने आए हैं। वीर का बाप यहाँ से एविडेंस लेकर चला गया है, अब क्या करने वाले हो मुझे नहीं पता, कैसे भी करके उसे अंदर डाल दो। फोन करके बोल रहे हो सर्वेश्वर को अंदर डालो? किस केस में अंदर डालो? सर कोई भी केस बनाकर उसे अंदर डाल दीजिए। जैसा तुम सोच रहे हो ये इतना आसान नहीं है मनोहर। अच्छा ठीक है, हम देख लेंगे। शायद तुम्हारे पिताजी को उनके बारे में कुछ पता चल चुका था, मुझसे एक ही गलती हुई जो तुझे इस केस में फंसाया, दूसरा कोई चारा नहीं था। और अब तू मेरी फैमिली को लेकर मुझे ही डरा रहा, यही काम उस दिन उन्होंने भी किया था। मेरे बीवी बच्चों को छोड़ दो, जो सजा देनी है मुझे दो। आपकी फैमिली सही सलामत आपके घर पहुंच जाएगी, आपने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है। वीर ये मत समझना कि मैं कोई बदला ले रहा हूं, अपने बचाव के लिए कर रहा हूं, और मैंने आपकी फैमिली को उठाया ही नहीं। वीर वीर नहीं। ए वीर रुक जा। वीर। ए पिताजी ने उस दिन बैग दिया था, वो कहाँ है? मेरे पास ही है।
इसमें क्या है चेक करो। अरे इसमें तो वो मोबाइल फोन है ही नहीं। वीर ये तो कमिश्नर का लैपटॉप है। रुको रुको ये देखो इसी केस में कमिश्नर को मारा गया। हम जो एविडेंस ढूंढ रहे हो सकता है वो इसी में हो। ये तो कोई सरकारी स्कूल है। लगता है मंत्री की पढ़ाई बचपन में इसी स्कूल में हुई होगी। इसके अंदर कोई एविडेंस नहीं है, सिर्फ डिटेल्स हैं बस। वीर इसके अंदर एमजी नाम की एक फाइल है, एमजी यानी मिसिंग गर्ल्स। हो सकता है ये फाइल भी उसी से रिलेटेड हो। इसे ओपन करो। इसके लिए पासवर्ड चाहिए, बिना पासवर्ड के हम ओपन नहीं कर पाएंगे। प्लीज कुछ भी करके खोलो ना। मैं कोशिश कर रही हूँ। जीवा काफी देर हो चुकी है, अब तुम घर जाओ। अरे नहीं यार, इसमें क्या है देखकर। फाइल ओपन होगी तो उसमें डिटेल्स ही होंगे। हे, डीसी की जो बातें रिकॉर्ड की थी उससे कुछ मिल सकता है क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, वो किसी काम का नहीं। कोर्ट में जाने से डीसी पे आरोप लगेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। अरे वो मिनिस्टर है, बिना स्ट्रॉन्ग एविडेंस के उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब तू जा। अच्छा मैं चलता हूँ, बाय। अब तुम भी जाओ ना, काफी देर हो चुकी है और जाना भी काफी दूर है। लगता है तुम्हारे दिमाग में जरूर कोई प्लान चल रहा है। मुझे बताओ वीर, तुम क्या करने वाले हो? मेरे लिए पिताजी ही सब कुछ थे। मिनिस्टर के खिलाफ मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। पर अपने पिता के कातिल को मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम समझदार हो, पढ़ी लिखी हो, अच्छी नौकरी पर हो, तुम्हारा होने वाला पति वो भी अच्छा ही होगा। मुझे याद रखने से अच्छा है तुम मुझे भूल जाओ। देखो जानवी, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ सच्चाई बतानी है। मैं खुद को निर्दोष साबित करने के लिए नहीं आया हूं। आपके पति निर्दोष थे, ईमानदार थे, आप उनके बारे में गलत ना समझें, यही बताने आया था। वीर इस सबूत के जरिए मंत्री जी को कुछ नहीं कर सकते। तो फिर बस मेरे पिता का जो कातिल है वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। वीर, हेलो पिताजी। तुझे इस नौकरी पर किसने रखा? सर तेरे जैसे उल्लू को पुलिस की नौकरी किसने दी, मैं ये पूछ रहा हूं। हाँ, अच्छा वो एविडेंस वाला मोबाइल फोन कहाँ है? वो मोबाइल मिलने से भी कोई फायदा नहीं है सर, क्योंकि सारे एविडेंस वीर के पास ही होंगे, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाया। समझता तो वो मेरे पास नहीं आता। ठीक है, अब जो करना है मैं देख लूंगा, तू जा। ओके सर। एए, सर अब इस बारे में किसी और से कोई बात मत करना। जी अच्छा, जा। ओके सर। भैया जी, मंत्री जी को सब पता चल गया है, वो अभी फैक्ट्री जा रहे हैं, आप भी जल्द से जल्द आ जाइए। भैया जी नमस्ते। मनोहर कहाँ है? तू कब आया? तेरा मिनिस्टर कहाँ है बे?
हमें पता कहाँ है वो? काम तू करने आया था वो मैंने कर दिया। अनजाने में तूने मुझे बहुत परेशान किया है, पर कोई बात नहीं, तुझे अभी बहुत जीना है, ये सब मैं संभाल लूंगा। हेलो, जैसा हमने सोचा था ये सब वो मंत्री ने नहीं किया है। कमिश्नर के ससुर नारायण ने ये सब किया है, तुम फौरन यहाँ आ जाओ। हेलो वीर, वीर नहीं, छोड़ो, छोड़ दो, नहीं, छोड़ो, छोड़ दो, मनोहर कहाँ है? वो अंदर ही है। भैया जी, इंटरनेट सेंटर में एक लड़की काम किया करती थी। उस लड़की से किसी को प्यार हो गया और प्रॉब्लम हो गई और वो दोनों के दोनों मारे गए। और उस केस में पुलिस मुझे भी इन्वॉल्व करना चाहती है। आप अगर कुछ ये केस कौन देख रहा है? डीसी त्यागराज। अगर आप उन्हें फोन पे समझा देंगे तो। उसे फोन लगा। हेलो, मैं उद्योग मंत्री शंकर बोल रहा हूँ। सर नमस्ते। सर नमस्ते, क्या कल सुबह मेरे घर आ सकते हो? जी हाँ सर। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तू कमीना इंसान है, उसी दिन जान गया, लेकिन मेरे साथ हमेशा रहता है, इसीलिए मदद की। लेकिन तूने
मेरा नाम इस्तेमाल करके कितने बुरे काम किए। जिस थाली में खाया उसी में छेद, तू विश्वास की अहमियत जानता है? उसे क्यों डांट रहे हो शंकर, वो बहुत विश्वासी आदमी है, एहसानमंद है, इसीलिए तो मैंने इसे तुम्हारे साथ रखा। मनोहर तुम जाओ। सही कहा, तुझ जैसे विश्वासघातियों के लिए ऐसे ही लोगों की जरूरत होती है। तुम बेकार में गुस्सा क्यों हो रहे हो, बचपन में हम दोनों ने भी तो गलतियां की हैं। हमारी शुरुआत भी तो जेल से ही हुई थी ना। अरे बस बस बस, बचपन में अनजाने में हजारों गलतियां की होंगी, लेकिन तूने कब्र में पैर लटके हैं उसके बावजूद छी, अपनी बेटी के बारे में सोच, छोटी उम्र में उसे विधवा बनाने का तेरा मन कैसे किया? इसीलिए ना, ताकि तेरा जुर्म बाहर ना आए, इसलिए बेटी के गले का मंगलसूत्र दांव पे लगा दिया। अगर वो तेरे बारे में जान गई तो उसका सामना कैसे करेगा? ऐसा ना हो इसीलिए तो उसके पति को मरवा दिया। लेकिन अब तो वो जान जाएगी, क्या करेगा तू? वो जो लड़का वीर है ना, उसके पास तेरे खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं जिससे वो अनजान है, और अब उस लड़के के साथ मैं खड़ा हूँ। नहीं शंकर, उस लड़के को मैं संभाल लूंगा, तुम बीच में मत आओ। कल सुबह मीडिया की हेडलाइन तेरे बारे में ही होगी। तुझसे भी ज्यादा शातिर था तेरा वो बाप। जाकर अच्छे से तलाशी लो। जी अच्छा, सब जगह देख लिया, कहीं नहीं मिला। वो मोबाइल यहीं कहीं होना चाहिए, ठीक से ढूंढो। एक मिनट। हाँ बोल। जिस काम के लिए आया था वो जल्दी खत्म हो जाएगा और मैं निकल जाऊंगा। तू कहाँ है? ठीक है, मैं भी पास में ही हूँ, ऑन द वे पिकअप कर लेना। हाँ बोलिए सर। ये खाली पड़े हुए घर में तुम क्या कर रहे हो? कमिश्नर के घर में चोरी, पुलिस को फोन लगाओ। हाँ लगाओ, तुम कहो तो मैं लगा दूं। देखो मुझ में और तुम में कोई फर्क नहीं है, मैं नकली चाबी से और तुम असली चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर आए हो। ए, तुम यहाँ क्यों आए थे? ये बात मैंने तुमसे पूछी क्या? नहीं ना, मेरा काम हो गया, तुम भी अपना काम करके निकल लो। अरे ये यहाँ कैसे? ये है कौन? ये वीर का बाप है। ए, तुम यहाँ क्या चोरी करने आए थे? यहाँ से चोरी करने के लायक मुझे कुछ दिखाई नहीं, सोचा घर अच्छा है, देखता हुआ चलता हूँ। सुना है वो बहुत रिश्वत लेते हैं, लेकिन देखकर लगा नहीं। पहले बिना किसी कारण के तुम्हारा बेटा मेरे रास्ते में आया, और अब तुम? मुझे लगा कि मेरा बेटा किसी शेर से पंगा ले रहा है, लेकिन तुम तो लोमड़ी निकले। अच्छा मेरा काम हो गया, मैं निकल। यहाँ से तुमने जो कुछ भी चुराया है मुझे दे दो, लाओ दो। नहीं दिया तो? मनोहर ये शराफत से नहीं देगा, तुम छीन लो। ए, तू बड़ा आदमी है मैं जानता हूँ, तुझसे जीत नहीं सकता ये भी मैं जानता हूँ, लेकिन तेरे गुनाहों के सबूत मेरे पास हैं। अगर तू मेरे बेटे को परेशान नहीं करेगा तो मैं भी तुझे परेशान नहीं करूंगा। तुम मेरे बेटे की जिंदगी से मत खेलना। मनोहर इसे छोड़ना मत, वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। ठीक है। तेरे बाप ने मुझे फंसा दिया। हाँ ठीक है, वो जिसके पास सबूत है ना, वही तेरी माशूका, वो इस समय कहाँ है? इस उम्र में तू इतनी तकलीफ क्यों उठाना चाहता है, बता दे। नहीं बताया तो मार डालेगा। मार दे। इसे तो मौत से डर ही नहीं लग रहा है। तुझे जान से नहीं मारूंगा, क्योंकि मरना तो बहुत आसान होता है। मनोहर एक काम करो, इसे तुम संभालो। मैं
मैं बताता हूँ। तुम लोगों को जो कुछ भी चाहिए वो मिल जाएगा। उसे कुछ मत करना। वो सबूत मेरे लिए बहुत जरूरी है। मनोहर, उस लड़की को ज्यादा परेशान मत करना। और तू एक काम कर, उस लड़की को फोन करके उसको बोल कि वो कहीं ना जाए। ये ले। हेलो, मैं वीर बोल रहा हूँ। तुम कहाँ हो? मैं अपने घर पर ही हूँ। कोई प्रॉब्लम है वीर? वहीं रहना, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाओ। जानवी, तूने उसे देखा है? वो कैसी दिखती है? बहुत गोरी है क्या? वीर बोल रहा हूँ। वीर, ये नंबर किसका है? ये उसी नारायण का नंबर है। ये क्या कह रहे हो? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तुम हो कहाँ? दोस्त के घर के पास ही हूँ। मुझे अपने घर पर बुलाकर तुम वहाँ क्यों चले गए? ये तुम्हें वहीं आके बताऊंगा। आपका जुर्म साबित हो चुका है क्या? इसलिए आपको नौकरी से निकाल दिया गया है? सुनने में आया है कि आपको 6 साल की सजा हुई है। बचपन में बहुत सारी गलतियां की, लेकिन भगवान ने शायद मुझे क्षमा कर दिया। इसीलिए बड़ा होकर समाज सेवा करने के लिए मैं नेता बन गया, लेकिन साथ में कुछ गलत लोग जुड़ गए थे, इसीलिए उसकी सजा भुगत रहा हूँ। जो हुआ एक बुरे सपने की तरह था और मैं उसे भूल जाना चाहता हूँ। मिस्टर नारायण अभी कहाँ है आप जानते हैं? नहीं जानता। पानी। किस लिए? आज से तेरे लिए पानी, खाना, सब कुछ यही है। कब्र में पैर लटके हैं और तुझे सेक्स चाहिए? हाँ,
बुढ़ापे में भी खुद को जवान समझता था ना, और इसीलिए तू इतनी लड़कियों के जिंदगी के साथ खेला। खाए पिए बिना 3 दिन रह चुका है, अब ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन और। पानी दे दो। गंगा जल पिलाऊंगा, लेकिन तेरे मरने के बाद। मर गया रे। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे इसमें शुक्रिया कहने की क्या बात है, इसने बहुत सी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है, इसे अपने गुनाहों की सजा मिल रही है। अच्छा तो मैं चलता हूँ। We'll be right back.